उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र स्थित रोशन कॉलोनी में बीती रात असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, घरों के कांच फोड़े। जानकारी के अनुसार परिवार के सदस्य जब उठे तो उन्होंने देखा कि घर के सभी कांच टूटे हुए थे। एक बार तो उन्होंने समझा कि बच्चों ने खेल खेल में कांच तोड़ दिए हैं, लेकिन आसपास में ही कुछ पत्थरों को देखकर उन्हें शंका हुई, जिस पर उन्होंने सीसीटीवी देखा तो उसमें नजर आया कि असामाजिक तत्व घर के बाहर आए और पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। आसपास के मकान में लोग के जागने की वजह से असामाजिक तत्व मौके से भाग खड़े हुए। घटना की जानकारी सवीना थाना पुलिस और स्थानीय विधायक सहित जनप्रतिनिधियों को दी गई। सुबह पीड़ित भवर लाल जलानी अपने क्षेत्र के लोगों के साथ रिपोर्ट दर्ज करवाने गए, जहां पर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी पहुंचे और प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो सके। आज बड़ा दुर्भाग्य के बात कहूं कि बहुत ही खुशी का माहौल था कल की, जो हमारा हिंदू नव वर्ष की खुशी में सब झूम रहे थे। और यहाँ पर एक हमारे भंवर जी जलानी जी के घर पे रात को किसी अज्ञात लोगों ने पत्थर फेंके। मेरे पास में फ़ोन आया, मैंने सीआई साहब को फ़ोन किया, गुलाब जी भाई साहब को फ़ोन किया, तो एसपी साहब ने भी यहाँ फ़ोन किया। पुलिस प्रशासन लगी हुई है, सीसीटीवी कैमरे में देखकर उन जो वास्तव में अपराध कसम के जो लोग हैं वो किसी समाज के नहीं होते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर नकेल नहीं कसेगी तो ये माहौल और ज़्यादा खराब होगा। आज इसके ऊपर पत्थर फेंके, कल किसी और पे फेंकेंगे, इसलिए मैंने यहाँ थाने में भी फ़ोन किया। सीआई साहब जो कहीं गए हुए हैं मोरचड़ी में, कोई फांसी खाकर बच्चे ने सुसाइड कर लिया, तो वास्तव में मैं यही प्रार्थना करता हूँ सभी समाज के नागरिक बंधुओं को कि अपनी यह उदयपुर की शांति को कहीं क्रांति में ना बदले। सब शांति से अपना धंधा पानी कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, और ये असामाजिक तत्वों का कोई साथ ना दे। और अपने भी आदमी कोई भड़काऊ कोई बयान करे या ऐसी कोई बात हो तो उनसे भी मैं यही कहता हूँ कि शांति से अपने को उनको समझाने का प्रयास करें। नहीं मानते हैं तो फिर पुलिस प्रशासन में इतला करें, ताकि पुलिस उसको तुरंत प्रभाव से कहीं कानूनी कार्रवाई से समझाएंगे, और फिर पुलिस नहीं मानेगी तो फिर और भी रास्ते हैं। इसलिए मैं इस शांति वातावरण में कहीं क्रांति का माहौल ना बने, इसलिए मैं थाने में आया हूँ। असामाजिक तत्वों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को? प्रशासन को कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए जो वो ऐसा आदमी दोबारा कोई ऐसा कृत्य करने से डरे। कानूनन में जो भी प्रक्रिया हो, कानूनन के तौर पर उसको ऐसी कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि उसको दूसरा कोई ऐसा कृत्य करने में पहले सोचे, वो ही नहीं दूसरा भी सोचे कि मैं ऐसी गलती करूंगा तो उसकी क्या सजा होगी। तो मैं यही चाहता हूं कि कड़ी से कड़ी उसके ऊपर कार्रवाई हो और कानूनन में जो सजा हो उनको मिलनी चाहिए। धन्यवाद। कल रात को हमारे घर के बाहर किसी अज्ञात लोगों ने पत्थर मारे, जिसका प्रातः सुबह हम उठे और उठने के बाद हम हमारे अखबार पढ़ने के बाद सुबह पता चला 7:45 पे कि मेरे घर के बाहर का कांच फूटा हुआ है। तो मैंने बाहर जाके देखा और देखने के बाद फिर पास में पत्थर भी पड़ा हुआ था और फिर मैंने अपने सीसीटीवी लगे हुए उसके अंदर जाके चेक किया तो कुछ उस समय दिखा कि हमारे घर के ऊपर साइड से कुछ लड़के जा रहे और भाटा मारते हुए अंदाज में और भाटा फेंकते हुए जा रहे। तब मुझे पता चला और मैंने पुलिस को इसकी रिपोर्ट दी और उसके बाद में पुलिस हमारे घर पे आई, उन्होंने अपने सीसीटीवी चेक करके और हम सब यहाँ इकट्ठे होकर आए। और एसीबी सवीना सेक्टर 14 जो सोफिट रोड है उसी के सामने, उसी के वहीं पर है, और बरकत कॉलोनी के उधर से लड़के आए थे कुछ, और सबके कपड़े एक ही तरीके के थे, वाइट विधर्मी थे, हाँ सभी विधर्मी थे और एंटी लोग थे सारे, जो भी थे भड़काए हुए थे या कौन थे ये नहीं हमको पता। और उन लोगों ने आगे जैसा ये लोग हर जगह पे करते हैं वैसे ही पत्थरबाजी करी है और हमारे घर का कांच फूटा है, और सुबह हमने उठ के देखा तो कांच फूटा हुआ दिखा, इसलिए हमने सबको बुलाया और सीसीटीवी कैमरा में चेक किया, तब जाके ये सारी बात हमको पता पड़ी।